कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह ने गोरखपुर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी सुरिता करीम के पक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन महानगर के टाउन हॉल स्थित एक स्थानीय होटल में किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरपीएन सिंह ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। गोरखपुर न्यूज के संवाददाता ने जब आरपीएन सिंह से पूछा कि पिछली विधानसभा में सपा के साथ गठबंधन और इस बार तलाक से जनता भ्रमित है, तो ऐसे में कांग्रेस पर भरोसा कैसे किया जाए, इसका उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। नागरिक वहां से भाग रहे हैं, बॉर्डर से रोज मारे जा रहे हैं, आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, और यही क्या 56 सेना की है आंतरिक सुरक्षा पे, यही क्या प्रधान इन पे क्यों नहीं जवाब देते हैं प्रधानमंत्री जी? सारा दोष कांग्रेस ही पे मढ़ते रहते हैं, पर ये तो सरकार उनकी चल रही है, केंद्र में भी उनकी सरकार, प्रदेश में भी उनकी सरकार, और सारी दिक्कतें कांग्रेस ने कर रखी है। दुख की बात है, इन मुद्दों को लेकर हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। किसान का हाल है गोरखपुर में, हम जब पेट्रोलियम में मिनिस्टर थे तो हम आप लोग के बीच में हमने कहा था कि इस फर्टिलाइजर प्लांट के लिए ये 6 से 7 साल लगेंगे, क्योंकि जब तक पाइपलाइन नहीं बिछेगी तब तक हमने ठेका पाइपलाइन के लिए दे दिया है, जब पाइपलाइन बिछ जाएगी तो ये फर्टिलाइजर चल जाए। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी आए, इतना किए कि उद्घाटन फर्टिलाइजर प्लांट चल जाएगा, तो गोरखपुर के लोगों ने पूछना चाहिए, 1 साल पहले आपने, 1 साल से ज्यादा हो गया, आपने फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कर दिया तो धुआं तो दिखाई नहीं दे रहा है, ना गैस आई, ये तो हमारे समय में ठेका हो गया था, अभी पाइपलाइन ही नहीं बिछी, तो आपने कैसे गोरखपुर के लोगों, क्या वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पूर्वांचल में मूर्ख लोग रहते हैं क्या? इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता गोरखपुर के इलेक्शन के दरमियान मंचों से क्यों नहीं जवाब देते हैं? बीआरडी कॉलेज को लेकर जितना हंगामा गोरखपुर में हम देखते थे, उसमें सुधार लाने की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, आपने लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं और ये राष्ट्र जो मुद्दे हैं, इन पर जवाब देना क्या इस इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनता है? राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब लोकसभा के चुनाव में इनको दिए, मुझे पूर्ण विश्वास है वो गोरखपुर हो या फूलपुर हो, मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अवश्य दे। नहीं देखिए, हम पहले तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है उनको अवश्य बधाई देते हैं, परंतु 5 लोकसभा के चुनाव हुए हैं अभी, अगर जितने चुनाव देखा जाए तो ये 5 लोकसभा के चुनाव अभी तक हुए, 3 प्रांत को मिलाकर, मेघालय में चुनाव हुआ, 5 साल के चुनाव, 5 साल की हमारे सरकार होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस फिर से बनकर मेघालय में आई, त्रिपुरा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, त्रिपुरा में हमारी सत्ता थी नहीं और हमारी संख्या बल भी बहुत कम थी, और नागालैंड में भी, वैसे नागालैंड में जो जीती है बेसिकली जो वहाँ रीजनल पार्टी है, पहले भी जो पार्टियां थी उन दोनों का ही प्रदर्शन बेहतर रहा है। अभी हाल में आपने देखा कि राजस्थान में जहां लोकसभा के चुनाव हुए 2014 में, जिन सीटों को हम 2-2, 3-3 लाख वोटों से हारे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में पूर्ण बहुमत है और राजस्थान में तो 25 में से 25 लोकसभा सीटें हैं, उन 3 लाख सीटों पे जो बीजेपी 2014 में जीती थी, हम वो दोनों सीटें 2-2 लाख वोटों से जीते हैं, तो आप परिवर्तन कितना राजस्थान में हो रहा है देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत उनकी है, 28 में से 26 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की है, अभी विधानसभा के चुनाव, जितने विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं सब में कांग्रेस पार्टी जीती है, तो ये लहर और बदलाव जो उत्तर भारत में चल रहा है ये पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महामंत्री उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब ने इलेक्शन के पहले शीर्ष समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात की थी कि समझौता ये 2 सीटों पर लोकसभा में अवश्य होना चाहिए था, और उनसे कहा था कि 1 सीट पे आप लड़िए और 1 सीट पे
हमें लड़ने दीजिए और आप तय कर लीजिए किस सीट पे आप लड़ना चाहेंगे और कौन सी सीट पे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वोटों का बंटवारा इस बाय इलेक्शन में हो। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात की, पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम दोनों सीटों पे लड़ना चाहते थे, क्योंकि हम राष्ट्र पार्टी हैं तो हम दोनों सीटों को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस का पक्ष और देश के पक्ष की बात है उसको लेकर इन दोनों सीटों पे और जो उमंग और जोश कार्यकर्ताओं में हम देख रहे हैं, हमारा प्रयास है कि कांग्रेस का दोनों सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन हो और विजय की ओर अग्रसर। मैं तो आप देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये लोकसभा प्रदेश सरकार पे हम तो जब बीआरडी सरकार का कामकाज अच्छा है सर, प्रदेश सरकार के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग स्वयं यहाँ है, सब लोग यहाँ के जो नेता हम भी लोकल हैं, रोजाना ये मुद्दे करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए जो देश की बातें हैं उसमें हमने आपके सामने रखी। प्रदेश की बातें वो हम आपको आप स्वयं देख रहे हैं और हमारे जितने नेतृत्व के नेता यहाँ, जितने हमारे यहाँ पूर्व सांसद बैठे हैं, रोजाना इन मुद्दों को उठा ही रहे हैं। और मैंने बीआरडी की एक जो बड़ी समस्या पूरे देश को आपने दिखाई उसके बारे में हमने आपको बताया, जो इन्होंने वादे किए थे प्रदेश सरकार के, अगर आप जानना ही चाहते हैं क्योंकि रोजाना इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कि इन्होंने तीन बड़े मुद्दे किए थे कि गड्ढा मुक्त हम 6 महीना में कर देंगे, कौन से सड़कियां गड्ढा मुक्त हो गए रोराई हमके बता दी, इन्होंने कहा था किसानों का ऋण माफ किया था, हमने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत उत्तर प्रदेश में बनाई तो 10 दिन के अंदर सारे किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, तो इन्होंने किसानों का ऋण माफ किया। आप ही के चैनलों पर, आप ही के अखबारों में हमने पढ़ा कि कई कई किसानों के 17 पैसे, 1 पैसे, 8 पैसे माफ हुए, तो क्या यही किसानों का ऋण माफ होगा? जनता इस समय थोड़ी सी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि प्रीपोल अलायंस था आपका चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस समय नहीं है, तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। देखिए, जैसे हमने अभी नगर निकाय के चुनाव लड़े, कांग्रेस ने अपने सिंबल पे हर जगह कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और हर चुनाव में समझौता होना आवश्यक या जरूरी नहीं है, परंतु जहाँ देश की बात होती है, प्रदेश की बात होती है, उस पे समझौता होने की बात उत्तर प्रदेश में उठते रही है। जैसे मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे महामंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से बात करके कहा था कि आप, हम समझौता के लिए तैयार हैं, पर 2 में से आप हमको 1 सीट दे दी, उन्होंने कहा दोनों हमको लड़ना है और क्योंकि बाय इलेक्शन है, तो हमने कहा कि 2 में हम दोनों सीट पे न लड़ें राष्ट्र पार्टी होने से, ये हमारे लिए असंभव चीज है। तो दोस्त बदली पे चिंतित है कि नहीं, जो दोस्त बदली हुआ है? नहीं, सब ये देखिए, हर आदमी अपने पार्टी के और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए ये इस तरह के चुनाव पर काम करता है, और इसको लेकर ऐसा कि कोई इस तरह का मन मुटाव हो गया हो या बातचीत बंद हो गई हो, परंतु इस पे गहन चिंतन करने की अवश्य जरूरत है कि 2019 में इस पे मैं क्योंकि अभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस पे शीर्ष नेतृत्व हमारा और समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का, वो उस पे वही इस पर कोई टिप्पणी या चर्चा कर सकेंगे, या क्या भविष्य 19 में होगा इस पर मेरा कहना या कोई टिप्पणी करना इस समय ठीक नहीं होगा। इतना अवश्य कह सकता हूँ वो फूलपुर हो या गोरखपुर, पड़ोना का नाम मेरे जबान पे हमेशा रहता है, तो गोरखपुर हो या फूलपुर हो, इन दोनों पे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के संगठन के लोग हो, कार्यकर्ता हो, जी जान से मेहनत अवश्य।